गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मैंने आपको दूसरी इकाई के पांचवा जो लेसन है ईमानदारी की प्रतिकृति का बहादुर शास्त्री जी के ऊपर उसके स्वभाव के गुण विशेष वर्णन करने वाला जो लेसन है सुनील शास्त्री जी उसके चिरंजीव जो यानी कि उसके पुत्र उन्होंने लिखा है वो लोग। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्वभाव चरित्र था उसके बारे में उन्होंने पूरा विवेचन वर्णन किया है। मैंने पूर्वाध आपको पढ़ाया है पांचवा लेसन जो है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। आज जो है उत्तरार्ध यानी कि लेसन का लास्ट जो भाग है उसके बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सुनील शास्त्री जी को और मतलब घर के जो भी कुछ परिवार वाले सदस्य थे उसको भी मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी से बातचीत करते हुए या उसको झूठ बिल्कुल मतलब सहन नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए कोई भी झूठेगिरी नहीं कर उसके सामने वो मतलब कोई भी सहन नहीं कर सकते थे। इसीलिए उसका स्वभाव के भी उन्होंने मतलब पहलू बताए हैं बाबूजी और मतलब वो जो थे सिंपल लिविंग बट आई थिंक मैंने पहले से ही बताया था आपको। और जो जो उसके पास जो सेवरेट कंपनी के एम्प्लॉय था जो 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 जितनी गाड़ियाँ थी उसको मतलब जो चलाने वाले जो ड्राइवर लोग थे उसका जो हिसाब किताब है वो इतना बिल्कुल मतलब बेकरार रखती थी क्योंकि उसका जो है मतलब सर्विस लॉग बुक जिसको कहा जाता है लॉग बुक यानी कि आज से लेकर शाम तक गाड़ी कितनी किलोमीटर की घूमी कितने किलोमीटर चलाई उसका जो हिसाब किताब भी लॉग बुक में दर्ज करना पड़ता था। वो सब कुछ चेक करते थे। और सुनील छेत्री जी ने वो जो एम्प्लॉय कार है एक दिन चलाने की बहुत मतलब तमन्ना रखी और वो लेके गई ड्राइवर के साथ लेके गई। तब बाबूजी को कोई मालूम नहीं था तो भी उन्होंने मतलब क्या क्या किया ये सब मैंने पूर्वार्ध में आपको बताया। आज उत्तरार्ध में आगे का जो है वो बताता हूँ। आपसे यह बात श्याम की तरह नहीं कर रहा पर इसलिए कि ये बात अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में अपने आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उनका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं वे छोटे हैं उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ ये सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफान जिंदाबाद में खड़ा रह सके। तो देखो मतलब जो सरकारी जो गाड़ी थी वो गाड़ी में आपके खुद के बच्चे भी उसको मतलब बैठ कर हवा स्कूल को छोड़ देने का बारिश चल रही है ये बिल्कुल नहीं करते थे। आप स्कूल को जाने का है तो चलो बारिश हो जो भी कुछ हो साइकिल से चले जाओ रिक्शा से चले जाओ, लेकिन कोई भी सरकारी जो वाहन है जो मतलब सरकारी जो जो कुछ व्हीकल है उसका यूज नहीं करने देते थे। मतलब स्वभाव ऐसा था उसका। याद आते ही बचपन के वे हसीन दिन वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं ऐसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेहतरीन हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा ठीक भी कर देना कि मेरी जो अलमारी है उसमें जो भी कुछ मतलब कागज या डॉक्यूमेंट लिए जो भी कुछ रखा है वो मतलब साफ सुथरा लगा देने के लिए और काम जो बताते थे वो परफेक्ट करने के लिए वो कहते थे। इसीलिए काम तो बहुत मतलब सफाई से करना होता है। तो सुनील जी को मतलब उसके पुत्र को उन्होंने बताया है चिरंजीव को उसको बताया कि ये काम तुम कर लो। मैंने स्कूल से लौट कर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबू जी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। उन्होंने बताया तुमने अलमारी तो सब कुछ मतलब साफ सुथरी सफाई करके अच्छी कर दी लेकिन मेरे कुर्ते कहाँ हैं। मैं बोला मेरे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रखा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। देखो यहाँ से फट रहा था वहाँ से फट रहा, सिंपल लिविंग बट आई थिंकिंग अप्रोच लाल बहादुर शास्त्री जी का चाहे ना किसी राजनीतिक व्यक्तियों के पास था इतने मतलब वो मतलब है वो मतलब
खुद के लिए कुछ भी नहीं करते, सभी उनका जो मतलब जीवन है उन्होंने डिवोट किया था राजनीति के लिए। मैं बोला मैं उनसे भला कोई यहाँ से पढ़ रहा था कोई वहाँ से भी, सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा ये कौन सा महीना चल रहा है, मैं जवाब दिया अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा अब नवंबर आएगा जाड़े के दिन होंगे तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहनूंगा ना। वो क्या बोले इधर देखो आगे थोड़े बहुत कपड़े फटे हुए हैं, तो मतलब ये सीजन कौन सा चल रहा है, आगे जाड़े का दिन यानी कि ठंडी का मौसम आने वाला है, तो मतलब फटे हुए तो क्या हुए, बीच में पहन लेता हूँ उसके ऊपर जैकेट या जो भी कुछ है वो पहन लेता, तो उसमें क्या होती है। वो क्यों अम्मा को दे दिए, अम्मा को मतलब वो जो मतलब फटे उठे कपड़े जो है वो लेने वाले जो लोग रहते हैं ना उसी के तरीके से। मैं देखता रहा क्या कर कह रहे हैं बाबूजी, वे कहते जा रहे थे ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बिनने वालों ने इसका एक एक शुद्ध काम आना चाहिए। यही नहीं मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं किस किफायत से रहते हैं मैंने देखा था। और एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता लेते हुए कहा था इनकी रुमाल बना दो, मतलब जो भी कुछ फटे हुए कपड़े एक एक सूत का धागा बना, मतलब खादी के कपड़े जो रहते हैं ना गांधी जी महात्मा गांधी जी भी मतलब क्या है खादी के जो कपड़े रहते हैं खादी मतलब चरखा चला देते हैं, तो खुद का जो खादी का जो वस्त्र है वो इंडिया में कुर्ता था और वो मतलब इस्तेमाल करते थे, उसका एक न एक धागा उसके मतलब उनका धागा जैसे था, तो इसीलिए मतलब फटी कमीज भी रहती फटी कुर्ता भी रहता है, तो भी मतलब वो जितना फटा हुआ भाग है वो निकाल लेने का रुमाल तो बन सकेगी उसकी, मतलब उसका स्वभाव देखो कैसा था। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था, वे अगर सीधे साधे कहते सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में गर्म नहीं कर पाती थी, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में से सामने वाले को बांध लेता था, वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। देखो खादी के लिए इतना प्यार था क्योंकि खादी यहाँ भी बनाई जाती थी। अम्मा हम अम्मा बताती है हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुख दिखाई में गहने मिले, सभी नाते रिश्ते वाले ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था, किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही उसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। देखो उसकी जब शादी हुई तब शादी के बारे में क्या क्या कैसी शादी हुई उसका भी उन्होंने बताया है कि सिर्फ 5 ग्राम सोना आया था और बहुत कुछ कर्जा भी हो चुका था, तो वो भी मतलब उन्होंने क्या किया भैया का वो भी मतलब दे मतलब कुछ पूछताछ थी उसके बारे में, ये जिम्मेदारी उसके ऊपर आ पड़ी थी उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है हमने गहने दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे वे हमारे स्वभाव वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके, कहने लगे तुम जब मिर्जापुर जाओगे और लोग गहनों के संबंध में पूछोगे तो क्या कहोगे। अगर देखो मतलब उन्होंने उसकी लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसकी पत्नी को कहा कि जो गहने हैं चाहे जो मतलब 5-6 ग्राम के जो भी कुछ गहने हैं यानी कि बिंदिया नथनी जो है वो छोड़ के वो सुहाग के गहने छोड़ के बाकी के जो गहने हैं वो दे दे, क्योंकि वो गहने के मतलब जितने पैसे आएंगे मतलब कहाँ पर रख के वो जितने पैसे आएंगे वो जिसके पैसे हैं उसको देने के लिए उन्होंने क्या किया उसको तैयार किया, मतलब ये गले में पहन के या मतलब गले में पहन कर या हवा बोलने से कोई उसको मतलब कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जिसके पैसे हैं वो पैसे वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मतलब वो पैसा जिसका उसका वापस करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो गहने जो है वो निकालते और उन्होंने भी ना कुछ बताते हुए भी अपने पति को वो गहने समर्पित किए। हम मुस्कुराए और कहा उसके लिए आप चिंता न करें हमने बहाना सोच लिया है, हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पर पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे फिर बोले तुम्हें यह बहुत तकलीफ है इसे मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था लेकिन अब जैसा है वैसा है,
तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा ले। हम बोली पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएगी। सदा ऐसी ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगता रहता है। देखो लास्ट में उन्होंने जो है लास्ट का जो पैराग्राफ था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अम्मा जो है उसकी पत्नी जो है लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी बोली, आप जैसा जो मतलब हीरा है, आपके जैसा जो गहना है वो मेरी ज़िंदगी में आया है, तो बाकी के मतलब जो गहने हैं सोने के उसको क्या कीमत है? आपको जितनी कीमत है मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में, उतनी कीमत मतलब पहने हुए गहने को नहीं है। तो उन्होंने बताया वो भी मतलब देखो उसका ही स्वभाव जो है शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी की बीवी का जो स्वभाव जो है, पत्नी का जो स्वभाव है उसका भी मतलब देखो आप तारीफ करनी पड़ेगी उसकी। इतना मतलब ऐसा स्वभाव था कि वो मतलब एक दूसरे को मिलते जुलते ही रहते थे। और सुनील शास्त्री ने ये सब कुछ जो है ये पूरा ये लेसन में क्या किया है कि लाल बहादुर शास्त्री यानी कि बाबूजी का जो स्वभाव था, जो उसका काम काज करने की जो तरीका था, वो सब कुछ उन्होंने बताया। अम्मा जी भी उसको मतलब मिलजुलते रहती थी, चाहे मतलब उन्होंने और उसको पूछा भी उन्होंने, अगर तू मतलब ससुराल से मतलब मायके चली जाएगी तो कोई पूछेगा तो तेरे बहने कहाँ पे है, तो क्या बताऊँगी, क्या कहूँगी उसको। तो वो मतलब उन्होंने जो लास्ट जो पैराग्राफ दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बोली कि आप जो इतना बड़ा जो गहना मेरे सामने खुद बेखुद मतलब सामने खड़ा है, तो मुझे वो मतलब नकली गहने यानी कि सोने के चाहे हीरे के हो चाहे चांदी के हो जो भी कुछ गहने पहनने की क्या जरूरत है, आप जैसा मतलब इतना बड़ा गहना मेरे सामने है, तो मतलब उसका स्वभाव की भी तारीफ करनी बहुत जरूरी है। सुनील शास्त्री जी ने ये लेसन जो है अपने पिताजी का अम्मा जी का उसके बारे में उसकी जो भी कुछ स्वभाव वैशिष्ट्य है वो मतलब बताए। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस लेसन का जो मतलब हेडिंग है ना उससे ही साबित होता है कि वो मतलब इतने ईमानदार, इतने प्रामाणिक और इतने ऑनेस्ट लॉयल आदमी लाल बहादुर शास्त्री थे, क्योंकि सिंपल लिविंग पर आई थी कि मैंने पहले ही बताया था। जो जो लेसन है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके पीछे जो कुछ मतलब क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं ग्रामर का हो चाहे कुछ भी हो, मतलब रेगुलर स्कूल जब शुरू होगी तब मैं और भी ग्रामर के बारे में और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप मतलब जो आपको मतलब समझ में आएंगे वो मतलब अच्छी तरीके से सॉल्व करके आप नोटबुक में कंप्लीट करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही।